बक्सर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांति व सद्भावपूर्ण माहौल में मुस्लिम भाइयों ने ईद उल फितर यानी ईद का त्यौहार मना रहे हैं। सुबह में रोजेदार मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद व ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। इस दौरान रोजेदारों ने मुल्क के अमन चैन की दुआएं मांगी। बच्चों ने भी नमाज पढ़कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साल 2020 व 21 के कोरोना महामारी के कारण मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में ईद का नमाज बढ़िया से अदा नहीं कर सके थे, लेकिन इस बार बढ़िया से हुआ। नमाज के बाद बच्चे अपने अपने अभिभावकों के साथ ईदगाह पर एक साथ नमाज अदा किए। कोरोना के बाद लोगों और बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक देखने को मिली। बक्सर से राज रंजन के साथ गुड्डू आजाद की रिपोर्ट। ईद आज कोरोना अवधि के बाद पहली बार खुले में ईद मनाई गई, उसका उल्लास और लोगों में जो उत्साह है वो उसको आप खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस बार चूँकि पूरी उम्मीद थी कि ईद के मौके पे भीड़ काफ़ी होगी, सारे लोग आएंगे, उस हिसाब से इंतजाम भी किए गए थे, सुरक्षा के, सफाई के, स्वास्थ्य सुविधाओं के, और जितने अकीदतमंद थे उनको किसी तरह की कोई परेशानी पेश ना आए, उस हिसाब से सारे मुनासिब जो इंतजाम थे वो किए गए थे। और हम लोगों को खुशी है कि इस आखिरी नमाज के साथ बड़ी मस्जिद में अभी ईद का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। शाम को लोग फिर एक दूसरे से मिलने निकलेंगे, उस समय भी हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद। हर मस्जिद पर दिया गया है, हर मस्जिद पर है, हर सार्वजनिक स्थल पर है, हर वो जगह जहाँ पे ज़रूरत महसूस की गई वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। ईद के लेकर सभी जगह पुलिस का व्यवस्था किया गया है और शांतिपूर्ण संपन्न भी हो रहा है। सभी मस्जिदों पर और चौक चौराहों पर प्रतिनिधि किया गया है। इनका नाम नाम एसडीपीओ है, एसडीपीओ बक्सर।